वेलकम टू मसरा व्लॉग। मैं हूँ मारिया सैयद। तो चले जी, आज का जो ये व्लॉग है इसकी टाइमिंग जो है अभी जो है रात के जो हैं वो बज रहे हैं 1 और अभी जो है सोने का टाइम हो चुका है। तो मैं आज बना रही हूँ पाए, मतलब कल मैं बनाऊँगी खाने में पाए। तो मैं जो पाए रात में ही वो उसको जो है रख दे चढ़ा देती हूँ पाए को टेंडर होने के लिए। और जब सुबह हम फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं तो उस टाइम जो है हम जो चूल्हा वो बंद कर देते हैं। इतनी देर में पाए जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। और पाए के बारे में ही पता ही कि पाए जितना ज़्यादा कुक होंगे उतने ही ज़्यादा वो मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना चलें जी मैं एक व्लॉग बनाती हूँ और वो आपसे रेसिपी जो है शेयर भी करती हूँ। तो चलें भी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कुछ एक सीन हो गया है और वो ये है कि मेरा जो ट्राईपॉड है वो जो है ना टूट गया है। तो समीका उसके साथ कुछ कर रही है कि उसको जोड़ ले फिलहाल काम चलाने के लिए। तो आज आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन को जो है मैं हाथ में लेके इस तरीके से आज काम करने वाली हूँ जब तक मेरा ट्राईपॉड ठीक नहीं होता है। मेरे पास यहाँ पे पाए रखे हुए हैं जो कि क्वांटिटी में 4 पाए हैं और ये आज मैं बना रही हूँ बड़े के पाए क्योंकि बटन पाए जो हैं वो अभी मैंने रखे हैं, उसको मैं बाद में बनाऊँगी। तो आज मैंने सोचा मैं ये वाले बना लूँ तो ये मेरे पास हैं। तो चलें फिर मैं बनाती हूँ इसको। पायों को जो है मैंने यहाँ पे एक बड़े सी पतीली में ले लिया है। पाए हमेशा बड़ी सी डेगची में बनाया करें तो वो बहुत अच्छे से बनते हैं। और अभी जो है मैं इनमें जो है वो पानी ऐड करने लगी हूँ और पानी मैं इतना ऐड करूँगी जिसमें यहाँ पे मेरे पाए जो हैं वो अच्छी तरीके से डीप हो जाएँ जी। पानी मैंने इतना ऐड किया जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाए जो हैं अच्छी तरीके से डीप हो चुके हैं। और अभी जो है मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे साबित गरम मसाले, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1/2 चाय का चम्मच लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 स्टिक सिनेमिन की, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा जो है जायफल का ले लिया, 1 मैंने जवैत्री का ले लिया। मेरी आवाज़ ना इस वक्त यहाँ पे इसलिए हो रही, मैं आपको अपना फेस दिखाती हूँ, मुझे शदीद किस्म की ना इसको कोई इस ना आ रही है ना नींद। देखिए मेरे फेस से आपको लग रहा होगा ना कि पता नहीं लग रहा है कि नहीं, मुझे तो शदीद किस्म की कोई नींद आ रही है। तो बस ये आज दिन का मेरा आखिरी काम है जो मैंने कहा चले इसको मैं चढ़ा देती हूँ, रख देती हूँ। तो फिर ये है कि कल मेरे लिए बड़ी आसानी रहती है, ऐसे ही टेंडर हुआ रहेगा जो हाफ टन रहेगा, बाकी का जो है वो मैं कल करते जाऊँगी। तो गर्म मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, अभी थोड़े से स्पाइसेस और ऐड करने हैं वो भी मैं आपको दिखाते रहती हूँ। अब मैं इसमें यहाँ पे 1 चाय का चम्मच जो है ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि सिर्फ़ 1 चाय का चम्मच ही जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने 2 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज जैसे मैंने कट कर लिया इस तरीके से वो डालना है। और थोड़ा सा जो है मैं इसमें 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच इसमें चली जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर। चले जी इसको मैंने ऐड कर दिया है। और नमक जो है हसबे ज़रूरत इसमें जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो ऐड हो गई हैं। अभी जो है मैं इसमें आने दूँगी 1 बॉयल। हल्दी जो है मुझे इसमें डालनी थी पर हल्दी जो है वो फाइनली मेरे घर में अभी ख़त्म हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ हल्दी का जो बॉक्स है वो यहाँ पे बिल्कुल देखें खाली पड़ा हुआ है मेरी हल्दी का बॉक्स। और इस वक्त जो है मैं सुबह जो है मैं पापा को बोल दूँगी कि हल्दी ले आएँ, तो पापा जो है हल्दी लाएँगे और कुछ सामान जो 10 मुहर्रम को भी जो खाना वगैरह बन रहे हैं उसके सामान पापा को लाने में थी, मार्केट कल जाना ही है उनको, तो वो मेरी हल्दी भी ले आएंगे। तो कल सुबह जो है फिर मैं इसमें हल्दी डालूँगी। देखिए मेरा पॉडी को खा रही हूँ। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। सुबह फजर के टाइम जो है मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। पाए बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके हैं। दोपहर में पापा ने मुझे हल्दी ला के भी दे दी थी जो कि मैंने 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जो है वो ऐड कर दिया था। अभी यहाँ शाम का वक्त है, 7 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलें जी अब मैं पाए को डन करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो जैसे कि 4 पाए थे और भी मैंने इसमें गोश्त वगैरह ऐड कर दिया था, थोड़ा फैट ऐड कर दिया था। तो इसमें जो है मैं तकरीबन जो है 1/2 पाव के करीब दही ऐड कर रही हूँ। पाए में दही बहुत कम होती है क्योंकि पाए का जो शोरबा होता है ना वो थिन होता है, वो थिक नहीं होता है, तो इसमें दही वगैरह बहुत ही कम डालता हूँ। टमाटर तो मैं बिल्कुल नहीं ऐड करती, मैंने ऐसे पाए खाए जिसमें टमाटर होता है ना कोई अजीब ही किस्म का वो टेस्ट आ रहा होता है, तो टमाटोज तो पाए में मैं बिल्कुल ही इग्नोर करती हूँ, बल्कि इग्नोर क्या मैं ऐड ही नहीं करती हूँ टमाटोज पाए में। तो यहाँ पे देखें मैंने फुल हीट की हुई है और मैं इसको जितना भी पानी मुझे खुश करना है पायों का वो जो है मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद जो है तड़के की तैयारी करूँगी। शाम का टाइम है तो चाय की आवाज़ें भी ज़ोरों शोरों से लग रही हैं कि चाय बनाओ चाय बनाओ। और यहाँ पर जो है मैंने अब तड़के की तैयारी शुरू कर दी है।
तड़के की तैयारी कर रही हूँ। प्याज जो है उसे मैं कट कर रही हूँ, साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और लिफ्ट ख़राब है जैसे कि हमेशा रहती है, लेकिन जिसकी वजह से पानी भी पीने का जो है, आपको पता है हमारे यहाँ पानी जो है वो पीने के कैंस आते हैं, तो वो कैन वाला जो है बेचारा सीढ़ी से नहीं चढ़ा सकता ना, उसको भी इश्यू होता है, तो बड़े मसले होते हैं। तो मम्मा जो है उसी ट्राई में लगी हुई हैं, किसी तरह से पानी मंगवा लिया जाए, तो वो उसमें लगी हुई हैं। मैं यहाँ किचन में लगी हुई हूँ। सभी का जो है आज थोड़ी अप डाउन चल रही है, जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी है कुछ शदीद किस्म की और बार बार लोड शेडिंग्स हो रही हैं, तो बंदा तो फिर डाउन हो ही जाता है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने पेन जो है तड़के के लिए चढ़ा दिया है और मैंने इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। और अब मैं इसमें यहाँ पे एक बड़ी प्याज मेरे पास थी जिसे मैंने बारीक बारीक रफली जो है वो कट कर ली है, और मैं इसको यहाँ पे लाइट ब्राउन कर ली हूँ। और अब जो है इसमें मैं हरा धनिया और गोल मिर्चें ऐड करके यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। ये जो पाए की रेसिपी है ना, ये बिल्कुल मेरी मामा की रेसिपी है और मैं इसी को मामा की ही रेसिपी को जो फॉलो करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबको ये रेसिपी इतनी पसंद है ये पाए ना, कि बस क्या ही कहने, और ये बनते भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको तैयार कर रही हूँ। इसके साथ ही जो है लोड शेडिंग जो है वो उरूज पर है, केसी वाले बिल्कुल हार नहीं मान रहे, वो अपने इसमें कायम दायम शायम हर तरह से, बल्कि टाइम तो है बढ़ाते ही जा रहे हैं लोड शेडिंग का। जितनी ज़्यादा लोड शेडिंग करेंगे जैसे लगता है उनको उतना ही ज़्यादा, उनको उतना ही बड़ा वाला प्राइस मिलने वाला है। बाहर को इतना शोर मचा हुआ है ना कि मुझे वॉइस ओवर करने में इतना इश्यू हो रहा है, मैं हर तरफ के दरवाजे बंद करके यहाँ पे टीवी लॉन्च में बैठी हुई हूँ कि बस फ़ैन वैन ऑफ करके, और यहाँ गर्मी से बुरा हाल मेरा हो रहा है कि चले जी वॉइस ओवर में कर ले, कोई बात नहीं। मैंने एक यूट्यूबर जो है उनको मैंने देखा था कि वो लॉन में बैठ के बेचारी जो है वो वॉइस ओवर करी थी, क्योंकि उनके बच्चों ने घर में जो है वो धमाल मचा के रखा हुआ था। लेकिन चले खैर है, मैं यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ। अगर थोड़ी बहुत आवाज़ अगर आपको आ रही है तो इसको इग्नोर करें, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लें, बस ये मुहर्रम के दिन ही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पाए जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और मम्मा जो है मुझे बॉल में निकाल के दे रही हैं कि मैं अपने नेबर्स को जो हैं वो जाके ये टेस्ट कराऊं कि जी देखें ये कैसे बने। जाहिर सी बात है हमसाए जो होते हैं वो तो हमारे हर दुख सुख में साथ रहते हैं, तो उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। और मुझे तो बहुत खुशी होती है मैं कुछ भी बनाऊँ तो मैं अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करूँ। तो चने जी ये निकाल लिए, ये देखें आपको पता चल रहा होगा मैंने इसको कितना थिन रखा है और कितना ही ज़्यादा मज़ेदार है। मैं एक बात और बता दूँ, इसके साथ जो है आज हमने बिल्कुल भी तंदूर की रोटियां नहीं मंगवाई हैं, घर में ही चपातियां बनाई हैं, क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ में कुछ देखा ना कि बच्चे जो हैं कराची में फूड पॉइजन से डेथ हो गई है, 3 बच्चों का मैं देख चुकी हूँ कल से, तो इस बात से ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तो मैंने कहा नहीं जी, एक तंदूर की रोटी से कुछ नहीं हो जाता है, मैं घर में ही मज़ेदार सी चपातियाँ गर्म गर्म सी बनाऊँगी और मैं उसको बिल्कुल मार्केट जैसा अच्छी सी उसकी परफेक्ट सी डो बनाऊंगी, और मैं बहुत कोशिश करूंगी मैं बहुत अच्छी सी वो चपातियां बना लूं। तो मैं घर में ही बनाई है मैंने, अब उसी के साथ खाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ना डर सा लगता है कि नहीं खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। इसके साथ ही आज का हल्का फुल्का सा व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।